नमस्ते दर्शकों, किसान आंदोलन के लिए हम लोग लाइव रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते रहे हैं। आज हमारे मेरे साथ ही मेरे संपादक सिंघू बॉर्डर पर हैं। इस किसान आंदोलन में लगभग कल 35 लोगों ने सरकार से चर्चा करी। इन 35 लोगों में शामिल थे सतनाम सिंह सहानी, जो एक फुटबॉलर रह चुके हैं, जोगिंदर सिंह जो आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, डॉक्टर दर्शन पाल जो एक टाइम पर बहुत एक्टिव मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, उसके अलावा हमारे साथ हैं सुरजीत सिंह फूल और लोग हैं हनन मौला। ये लोग सारे लोग शायद कोई कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ा है, कोई आम आदमी पार्टी से जुड़ा है, कोई कांग्रेस से, कोई तमाम तरह के किसान यूनियन से जुड़ा है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कल की चर्चा के बाद आज किसानों में वहां माहौल क्या है, और कल जो आने वाला कल है उस दिन जो चर्चा होनी है उसके बारे में किसान लीडर्स किस तरह से सोच रहे हैं, और बाकी जो आंदोलनकारी हैं उनका क्या कहना है। मेरे साथ लाइव सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं मयंक सक्सेना, हमारे संपादक। मयंक, आप शायद कल रात से वहां पे हैं, क्या आप मेरे को अभी का माहौल और वहां पे जो लोग कह रहे हैं अभी तक जो हुआ उसके बारे में क्या उसके बारे में बताना चाहेंगे? जी सौम्या, जैसा कि अभी ये जो वीडियो में मैं दिख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा हट के दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे का जो हिस्सा है, मैं जिस कुर्सी पे मैं अभी एक ट्रैक्टर का ट्रक का जो ट्रॉलर होता है जो किसान साथ में लेकर आए हैं, मैं उस पर बैठा हूँ। और मेरे पीछे अगर मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूँ और आपको दिखाना चाहूँ तो आप ये विजुअल देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये पीछे जहाँ तक नजर जा रही है, और जहां तक मतलब जहां तक मैं जितना देख पा रहा हूं, केवल गाड़ियां हैं। कल रात को मैंने कोशिश की कि मैं नाप पाऊं कि असल में ये दूरी कितनी है, और मैं एक बार को इस कैमरे को भी जो है वो जूम करके दिखाना चाहता हूं कि ये दूरी कितनी है, लेकिन मैं ये तय नहीं कर पाया, नाप नहीं पाया। ये गाड़ियां, ये ट्रैक्टर, ये ट्रॉलर, ये ट्रॉलिया, ये मैं 3 किलोमीटर चलने के बाद थक गया रात को। मैं रात को 1 बजे यहाँ पहुंचा और 2 बजे तक, 1:45 बजे तक मैं पैदल चलता रहा, और उसके बाद थक के मैं लौट आया। ये एक तरफ का है, आप ये देख सकते हैं मेरे बगल में नीचे भी ये गाड़ियां खड़ी है, और ये आगे की तरफ जिस तरफ अब कैमरा है, ये जो हिस्सा है ये जाता है दिल्ली की तरफ। ये आगे जाके यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे वो दिल्ली की सीमा है, जहां पर वो बैरिकेड्स हैं जो पुलिस ने लगाए हैं, जो हम लोगों ने देखा था। मैं थोड़ा सा और जो है वो कोशिश करूंगा दिखाने की। आप ये देखिए नीचे मेरे जो है, ये पीछे ट्रैक्टर और ट्रॉली में कई सारे किसान बैठे हुए हैं, ये हरियाणा से आए हुए किसान है। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे तो ये पंजाब से आए हुए किसान है, इनका वहां पे इनका टेंट भी लगा हुआ है जहाँ पे लंगर चल रहा है। और ये चारों तरफ देखिए, और लगातार लोगों का आना जारी है, आप देख सकते हैं जो विजुअल्स है। तो सौम्या, इस समय तकरीबन अगर हम मान के चले कि तो कुछ नहीं तो कम से कम मेरे अंदाजे से यहाँ पर 50,000 से तो अधिक ट्रैक्टर, ट्रक और ट्रॉलिया जो है वो कतार में एक के पीछे एक खड़े हुए हैं। और ये जो इनका ये जो ट्रेल है, ये कम से कम यहाँ से 5 किलोमीटर आगे तक जाता है, 5 किलोमीटर आगे तक, क्योंकि 3 किलोमीटर तो मैं चल पाया कल रात को, और बहुत सर्दी थी रात भर। और आप आगे पूछे तो मैं बताता हूँ यहाँ का हाल। जी मैं मुझे एक बात बताइए, कल एक राउंड एक दौर की चर्चा हुई सरकार के साथ, और जो हमने विजुअल्स देखे उसमें हमने देखा कि किसान अपना खाना खुद लेके गए थे, उन्होंने इनकार कर दिया सरकार का खाना लेने से, सरकारी ऑफिस का खाना लेने से। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी उस चर्चा को लेके क्या माहौल है लोगों में, और कितनी सकारात्मकता है जो कल होने वाली है चर्चा 5 दिसंबर को? बहुत सारे भाषिक शब्द जो गाँव में बोले जाते हैं ग्रामीण अंचल में सरकार के लिए, वो मैंने कल रात को सुने, वो मैं बोल नहीं सकता स्क्रीन पर बैठ के, पर उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि दरअसल कितना नाराज है किसान। सरकार का जो अप्रोच है, मतलब
जो कर्सिस होती है, कर्सिंग होती है जो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, वो भाषा इस्तेमाल कर रहा है एक आम किसान, और वो इस बात से भी कहीं ना कहीं अपने आप से भी वो खिन्न है कि उसने बीते 5-6 साल में या उसके पहले के 20 साल में कभी भी अपने हक की लड़ाई को इस तरह से नहीं लड़ा, और अब वो जब मरने, उसके जीने और मरने का सवाल खड़ा हो गया है, तो वो सड़क पे उतरा है, पर वो तैयार नहीं है। जो 3-4 बातें जो मुख्य बिंदु है जिन पे लगभग लगभग हर किसान, और मैं कल रात भर, मैं रात को करीब 2 बजे से लेकर और सुबह 5 बजे तक यहाँ पे किसानों के अलग अलग जो जत्थे हैं, जो टीमें हैं, जो रात को जग रहे थे, रखवाली कर रहे थे, और बहुत दिलचस्प है कि 100 लोग सोते हैं और 10 से 15 लोग जागते हैं रखवाली करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए। तो वहां पर मैंने जो बात की, अभी भी मुझे नीचे से, मैं आपको दिखाऊं हाथ हिलाते हुए, ये देखिए ये किसानों का जत्था आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो ये पंजाब से आए हुए लोग हैं तमाम, है ना, और अलग अलग राज्यों से है। कल मुझे पंजाब के अलावा हरियाणा के किसानों से भी बात करने का मौका मिला। उनका ये कहना है कि अब चूंकि आगे आ गए हैं, अब चूंकि यहाँ आ गए हैं, अब पीछे हटने का सवाल नहीं है, और बहुत बेसिक सी बात है, कम से कम तीन मांगे जो है उनपे सरकार को झुकना पड़ेगा, वरना किसान नहीं मानने वाले। जिसमें से पहली जो है वो MSP को लीगलाइज करने का है। किसानों को ये बात भी समझ में आ गई कि सरकार को अगर MSP को लीगलाइज करना पड़ा, लीगल करना पड़ा, तो ये जो कृषि कानून है नया, इसकी इसकी कोई कीमत अपने आप खत्म हो जाएगी, ये किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि जो सरकार की दरअसल नीयत है, जो हम समझ रहे हैं हम सभी, तो वो कॉरपोरेट का एजेंडा जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो MSP को लीगलाइज करना, वो चाहे कृषि कानून वापस ले, चाहे MSP को लीगलाइज करे, MSP को लीगलाइज करना ही पड़ेगा। दूसरा, जो पॉल्यूशन कंट्रोल वाला एक्ट है जिसमें संशोधन अमेंडमेंट किया गया है, और पराली, हरियाणा के किसान बे इंतहा नाराज थे पराली जलाने वाली बात को लेके। उन्होंने बार बार ये सवाल किया कि पराली तो हम पहले भी जलाते थे, दिल्ली के लोग अपना पॉल्यूशन नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, और अब सारा दोष हमारे पराली जलाने पर डाल दिया जाता है और हम पर जुर्माना लगाया जाता है, तो फिर जिसके घर में 4 गाड़ी 5 गाड़ी उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया। और तीसरी बात यह है कि मंडियों के सिस्टम को अब किसान चाहते हैं कि और फुल प्रूफ ही ना किया जाए, केवल वहां जो करप्शन है, ज्यादातर किसानों ने बात कही कि हमको तमाम बार MSP से कम में इसलिए फसल बेचनी पड़ती है क्योंकि मंडी में खरीद में इतना डिले हो जाता है कि और कोई विकल्प नहीं बचता, और 80% से अधिक किसानों के पास फसल को लंबे समय तक स्टोर करके, उपज को लंबे समय तक स्टोर करके रखने का कोई साधन या इतना पैसा नहीं होता है। तो ये बातें हैं जो निकल के आ रही है, और भयानक गुस्सा है, आप सोच नहीं सकते हैं इस तरह का गुस्सा। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इस तरह का आंदोलन और ऐसा आक्रोश मैंने CA NRC के आंदोलन में भी नहीं देखा। मैं हम लोग, मुझे थोड़ा प्लीज समझाने की कोशिश कीजिए। रिपोर्ट्स आ रही हैं, प्रूफ नहीं है, मतलब मेरे पास एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है इनका सोर्स क्या है, पर रिपोर्ट आ रही है कि लगभग 6 से 7 किसानों की मृत्यु हो चुकी है इस दौरान। क्या आपके पास कोई भी तरह की जानकारी है, और अगर उनकी मृत्यु हुई है, क्या वो कोविड की वजह से हुई है, क्या उनकी उम्र की वजह से, या कोई और किस वजह से ये मृत्यु की सूचनाएं आ रही हैं, क्या मेरे को प्लीज बताएंगे आप? जी, पहली बात तो ये है कि कोविड की वजह से किसी भी किसान की मृत्यु की यहाँ कोई पुष्टि, यहाँ कोई सूचना नहीं, लेकिन कुछ किसानों ने अपनी जान गंवाई है, और उस पे मैं आना चाहता हूँ। कल रात मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया, और ये यकीन करना मुश्किल है, कल दिल्ली का तापमान रात को सुबह 3 बजे के आसपास करीब 12 डिग्री हो चुका था, मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे ज़बरदस्ती सुबह 5 बजे इन लोगों ने कम्बल में एक ट्रैक्टर में ले जाके लिटा दिया। जिस ट्रैक्टर में मुझे लिटाया गया ऊपर, मैंने सुबह उठ के देखा 6 बजे के आसपास, अब मेरी आँख खुली, उसके नीचे लोग सो रहे थे, ट्रैक्टर के नीचे, यहाँ लोग खुले में सो रहे हैं, ट्रैक्टर के नीचे हैं, ट्रॉलियों के नीचे सो रहे हैं, सड़क पे सो रहे हैं, केवल एक कंबल लपेट कुछ लोग रखवाली कर रहे हैं, और बहुत बुजुर्ग लोग हैं। कल ही हम रात को जब बैठे थे तो हरियाणा के एक ताऊ हमारे साथ थे जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर थी। तो यहाँ पर कुछ लोगों का जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जो जिसको किसान शहादत कह रहे हैं, इसको हमको याद रखना पड़ेगा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आंदोलन के दौरान उनकी जान गई है। तो उनकी ज़्यादातर लोगों की जान, वो बीमार थे, बूढ़े थे, और इस तरह के, जिस तरह की सर्दी है उसको सरवाइव करना, प्लस उनको रास्ते में जिस तरह की मुश्किलें फेस करनी पड़ी,
उसको सरवाइव करना हमेशा आसान नहीं होता है। तो कोविड की वजह से हालांकि कोई कंफर्मेशन अभी तक मेरे पास यहाँ पर नहीं है। जी मैं जिन लोगों की मृत्यु हुई है, क्या आपको अंदाजा है कि किस वजह से, क्या कोई एक्सीडेंट था या ठंड थी या कोई और बात थी? मैं बस जानना चाहती हूँ कि आपके पास किस तरह की जानकारी है। शुरुआत में सौम्या कुछ लोगों की जान गई है एक्सीडेंट में, जो एक्सीडेंट आते वक्त शुरुआत में हुए थे, और उसके बाद यहाँ पे जिन लोगों, जो बुजुर्ग है उनका देहांत जिनका हुआ है वो उनकी उम्र और जो मौसम की कंडीशन है उनकी वजह से जो है हुआ है। जाहिर सी बात है, आप ये भी सोच के देखिए, ना केवल सर्दी है, इन लोगों पर वाटर कैनन चलाई गई है इस सर्दी में। तो क्या बोलूं मैं इसके बारे में। जी मयंक, हम लोग वो वाली बातें करते रहेंगे, हम लोग को लगता है हम लोग सरकार के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मुझे बताइए कि किसान कल की चर्चा को लेके क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सोच रहे हैं, किसान लीडर्स जो हैं, किसी भी किसान लीडर का आपने अभी तक भाषण सुना है क्या, उनसे आपकी इन पर्सन बात हुई है? तो मुझे बताइए। ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है मेरी, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बात हुई, कल भी हुई, आज भी। हाँ, तो अगर ऑफ द रिकॉर्ड में से आप कुछ बता सकते हैं जो हम जी, बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड से, ऑफ द रिकॉर्ड बिल्कुल नाम लिए बिना हम कोट कर ही सकते हैं। देखिए, एक बात यह है कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है, कल एक व्यक्ति ने मुझसे एक लाइन कही और वो दरअसल पॉलिटिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है। उससे इशारे में बिना राकेश टिकैत का नाम लिए कहा कि इस आंदोलन की सबसे कमजोर कड़ी जो है वो गाजीपुर बॉर्डर है। ये वेस्ट यूपी बॉर्डर है ना मैं, आप वेस्टर्न यूपी बॉर्डर की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो राकेश टिकैत के लिए बिना नाम लिए उन्होंने, भारतीय किसान यूनियन जो राकेश टिकैत वाला विंग है उसको लेकर उन्होंने कहा। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए, ये एक इतिहास रहा है इस देश में, चाहे वो मजदूरों की यूनियन का आंदोलन हो चाहे किसानों की यूनियन का, जहां तक लड़ाई का इतिहास रहा है उतना ही इतिहास रहा है उन यूनियनों के जो नेता हैं उनके कमजोर पड़ने का, उनके बिक जाने का, उनके टूट जाने का, या सरकार के साथ खड़े हो जाने का इतिहास भी रहा है। तो एक चिंता कहीं ना कहीं किसान के मन में ये भी रहती है, ये जो ये ऐसा किसान बहुत बहुत इंटेलिजेंट बीइंग होता है, उसको सब समझ में आता है, बस वो हमारी तरफ से बोलता है। मैं आपको हस्तक्षेप करना चाहूंगी, पहले प्लीज मुझे थोड़ा समझाएं कि क्यों राकेश टिकैत को लेके किसान शंकित हैं। दरअसल पंजाब और हरियाणा के किसानों में एक भावना दरअसल अब ये भी है कि चौधरी चरण सिंह जब तक थे एक अलग स्थिति थी, पर एक बात उनके मन में ये भी है कि क्योंकि पिछले लंबे समय से आमतौर पे जो वेस्टर्न यूपी के किसान नेता है उनको ही हरियाणा का किसान भी अपना नेता मानता रहा है, बल्कि पंजाब का भी बहुत बड़ी संख्या में किसान वेस्टर्न यूपी के किसान नेताओं को अपना मानता रहा है। लेकिन अब उनको लगता है कि लंबे समय से जिस तरह का छल उनके साथ हुआ है तो उनके पास अपना हरियाणा का किसान नेता क्यों नहीं है, या वो अपने हरियाणा के किसी किसान नेता को अपना नेता क्यों ना माने, वो क्यों माने। और क्योंकि चौधरी चरण सिंह के बाद से लगातार छवि ही नहीं ईमानदारी में भी शरण हुआ है, वो नीचे गिरी है लगातार, इसलिए किसान आंदोलनों का हमने जो हाल देखा है। तो उनको लगता है कि भाई हरियाणा का नेता क्यों नहीं हमारा नेता होगा, हमें वेस्टर्न यूपी से क्यों चाहिए हमेशा। तो ये भी एक पॉलिटिक्स है, लेकिन उनको ये पता है कि चूंकि वो लाखों की संख्या में यहाँ डटे हुए हैं, जब मैं 50,000 ट्रैक्टर ट्रॉली कह रहा हूँ मतलब 1,00,000 से ऊपर लोग यहाँ पे, तो वो चूंकि लाखों की संख्या में यहाँ डटे हैं तो उनका कोई नेता अगर चाह भी जाए तो बेईमानी नहीं कर सकता क्योंकि वो सामने खड़े हुए हैं। एंड ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कि हमें यहाँ पे सामने रहना होगा इनके। अब रही बात मांगों की, ऑफ द रिकॉर्ड किसान नेताओं से ही बात हुई, देखिए मांगे कमोबेश वही रहेंगी जो कल सुबह ड्राफ्ट भेजा गया था जिसमें 8 पॉइंट्स थे, जिसमें 8वां पॉइंट जो था वो सवाल था, बाकी 7 पॉइंटर्स से जो डिमांड थी कमोबेश वही रहेंगी। उनमें से 2-4 मांगे हो सकता है सरकार ना माने 2-4 चीजों पर। तो ये इसमें मुझे लगता है कि अगर कुछ नतीजा निकलना है, इसका नतीजा अगर निकलना है, ये सब कुछ अब सरकार की इच्छा शक्ति पे है कि क्या वो जो एक उसने एक अपनी और किसान नेताओं ने भी यही कहा कि ये उनका सीधा कहना ये, खासतौर पे जो पंजाब से किसान आए उनका कहना ये है कि ये समझते क्या है, एंड दे आर लाइक कि ये जो अकड़ दिखा रहे हैं, ये वाक्य बता रहा हूँ, लगभग हर आदमी ने दूसरे आदमी ने उससे बोला कि इनकी अकड़ जो है हम खत्म करने आए। तो सरकार को ये जो इसका एक रिजिड और स्टबर्न अप्रोच है कि जो सबसे अहम मांग है जिसपे किसान नहीं झुकेगा, यानी कि MSP को लीगल कर देना, उससे कम में कोई खरीद नहीं सकता, और कृषि कानून वापस लेना, अगर सरकार इन पे ही झुकने को तैयार नहीं है तो ये गतिरोध टूटने वाला नहीं है अभी, ये एक सीधी सी बात है। बाकी पूरा मामला ये है कि उसमें 7 अगर मांगे हैं तो 2-3 पे सरकार झुकेगी, 2-3 पे किसान नेता झुकेगी,
ठीक है, हो सकता है कि उनको किसान नेताओं को एक बार को जो पॉल्यूशन वाला बिल है या एक्ट अमेंडमेंट है कहे कि ठीक है यार इसको रहने दो, हम देखेंगे पराली का कोई और उपाय नहीं देंगे। हो सकता है एक बार को वो कॉमर्शियल दर पर बिजली खरीदने को तैयार हो जाए, पर किसानों का सवाल है यहाँ पर कि किसान को कॉमर्शियल दर में बिजली आखिर कैसे दी जा सकती है, और उस पर एमएसपी को लेकर उनकी बहुत सारी चीजें हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो जो उनकी कोर डिमांड्स है उस पर किसी भी हालत में किसान, और केवल ये किसान नेताओं की बात है, किसान नेता अगर 40 किसान नेता दिल्ली आ गए होते शिष्टमंडल लेके पंजाब हरियाणा और बाकी राज्यों से मिलने के लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ जो आम किसान है, इंडिविजुअल है, जिसको हिंदी भी नहीं आती है, यहाँ पे उपस्थित जो लोग हैं उसमें से 90% हिंदी नहीं बोल पाते हैं, वो या तो पंजाबी में बात करते हैं, हरियाणवी में करते हैं, राजस्थानी में कर रहे हैं, उनको ये पता है कि उनको झुकना नहीं है और एमएसपी बिना लिए वो यहाँ से नहीं जाएंगे। जी तो मैं इसमें मुझे एक्चुअली थोड़ा ग्राउंड से आपकी, अगर हम लोगों ने पिछले 2 दिन या 3 दिन में जिन भी किसान आंदोलनकारियों से बात की उन्होंने अपने अपने ढंग से बयान किया कि वो क्या मांगे लेकर आए हैं या वो किस पृष्ठभूमि से उठ के आ रहे हैं, उनके पीछे किस तरह का लेजेंड है जो वो लेके आ रहे हैं। मुझे आप एक बात बताइए कि इस दौरान में क्या आपको इस तरह का कुछ भी पता चला है कि कोई भी किसान या कोई भी आंदोलनकारी, किसी की भी हिम्मत टूटी हो, किसी ने ये माना हो कि अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको चले जाना चाहिए वापस, या फिर मनोबल उसी तरह से बरकरार है और उसी शिद्दत से जिस शिद्दत से लोग आए थे आज से 7 दिन पहले उसी शिद्दत से लगे हुए हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि मैं जहां भी जा रहा हूँ, जिनसे बैठ के बात कर रहा हूँ, वो सबसे पहले मुझसे पूछते हैं आपको क्या लगता है सरकार मानेगी, और जब मैं जवाब में कहता हूँ कि पता नहीं लेकिन अभी तक तो सरकार जिद पे अड़ी है, तो उनका जवाब होता है कि मैं वो वाक्य बोल ही दे रहा हूँ कि इना दे तो पियो भी मानेंगे, इनके तो पिताजी भी मानेंगे। ये जो है, ये जो जवाब मुझे कल रात लगातार मिला है, हिम्मत टूटने की जहां तक बातें बताऊं मैं आपको, जिस सर्दी में कल रात मैंने इनको सोते देखा और सुबह 4:30-5 बजे से ये उठ गए, नहाने लगे, खाना बनने लगा, आप यकीन नहीं मानेंगे कि अमृतसर से रोज खाने का सामान बन के आता है गाड़ियों से, शाम को पहुंचता है दोपहर में, सुबह गाड़ियां चलती है वहां से 4 बजे। रकाबगंज गुरुद्वारे का यहाँ पे लंगर लगा हुआ है, सबने अपने अपने अलग खाने के स्टॉल, मेडिकल स्टॉल। मुझे सुबह बुखार था, मुझे ला के दवा खिलाई थी और मैं नॉर्मल होके यहाँ बैठा हुआ हूँ, और तो इनकी हिम्मत क्या टूटेगी। और मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ, सौम्या, एक विजुअल दिखाना चाहता हूँ। आप जब तक उस सीन की तरफ लेके जाए, मैं एक और बात दर्शकों से उसका जिक्र करना चाहूंगी कि जितने भी किसान नेताओं को मैं जिनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से एक तो बहुत इंटरेस्टिंग बात जो सामने आई है, पहली बात ये सामने आई है कि वो हाईपास नहीं करने देना चाहते किसी को इस आंदोलन को, वो नहीं चाहते कि दिल्ली से कोई आंदोलन हाईजैक करे ताकि उनकी जो बातें हैं वो कहीं उसके बीच में छुप जाए जो दिल्ली वाले कहते हैं। दूसरी बात, वो लोग जो लगातार एक बात कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि दिल्ली की जो लैंग्वेज है, दिल्ली की जो भाषा है, वो वही पुरानी भाषा है, सरकार उसको दबाना जानती है, सरकार उससे नेगोशिएशन करना जानती है, लेकिन जो हम भाषा लेके आ रहे हैं, जो हम समझ लेके आ रहे हैं, वो ये सरकार सप्रेस या रिप्रेस नहीं कर सकती क्योंकि हम एक बहुत ग्राउंड लेवल अंडरस्टैंडिंग लेके आ रहे हैं। तो ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है एक आंदोलन में, ये बहुत नेसेसरी होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, अपने मैं किसी का नाम लिए बिना, किसी भी लीडर का नाम लिए बिना ये कहना चाहती हूँ कि किसानों को अपनी भाषा में अपने हक मांगने दीजिए, आप प्लीज उसको जाके ना इंटरप्ट कीजिए ना हस्तक्षेप कीजिए, कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। खैर, मैं कहा मुझे कोई विजुअल दिखाना चाह रहे थे, मैं आपने एक विजुअल दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे दाएं हाथ की तरफ आप देख रहे होंगे ट्रैक्टर खड़ा है और उस ट्रैक्टर के आगे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं जो हुक्का पी रहे हैं, ठीक है, और यही नजारा मेरे बाई ओर भी है, यहाँ भी ट्रैक्टर के पीछे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं जो हुक्का पी रहे हैं। ये हरियाणा के बुजुर्ग हैं और कल रात भर मैं इनके साथ बैठा था, ये रात भर हुक्का पीते हैं, आपस में पॉलिटिकल चर्चा करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा करते हैं, लोकल पॉलिटिक्स से नेशनल पॉलिटिक्स तक हर चीज पे ये बात करते हैं। और जो आप कह रही थी हिम्मत टूटना, कल रात जिस वक्त मैं यहाँ पहुंचा हूँ उसी के आसपास
1000 से ऊपर निहंग जो सिख निहंग साधु होते हैं, ये अनबिलीवेबल है, वो घोड़े पे सवार होके आप यहाँ पर आगे घोड़े बंधे हुए हैं, वो घोड़ों पर सवार होके सिख निहंग घुड़सवार वो यहाँ पर पहुंचे हैं साथ देने के। आज सुबह भी जो है वो पहुंचे ट्रैक्टरों पे सवार होके, घोड़ों पे सवार होके, और ये जो पूरा सड़क और रास्ता बंद करने की बात, मैं आपको दिखाऊं मैं भी दिखा ही रहा था कि मेरे जो दाई तरफ ये पूरी सर्विस रोड है, ये पूरी सर्विस रोड खुली हुई है, तो सारा रास्ता किसानों ने बंद किया है, ये सर्विस रोड आगे जाके इसलिए बंद है क्योंकि पुलिस ने इसको बैरिकेड कर दिया है। ये सर्विस रोड खुली हुई है, यहाँ से एम्बुलेंस लेके तमाम गाड़ियां, मेरे बगल आपको गाड़ियां चलती दिख रही होगी बकायदा, आगे देखिए कारें जा रही है, मोटरसाइकिलें जा रही है, यहाँ से एम्बुलेंस से लेके तमाम गाड़ियों के लिए किसानों ने रास्ता खोला हुआ है। तो ये पूरा जो पोर्ट्रे किया जा रहा है ये सब कुछ उतना ही वैसा ही नहीं है जी। मयंक मुझे एक बात बताइए, क्या मुझे पता है आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके इंटरनेट और आपके सेटअप की वजह से कहीं है, क्या संभव होगा हम किसी से बात कर पाए, क्या कोई हमसे ये अभी इसलिए मुश्किल है, हम इसको कल जरूर करेंगे, कल हम सुबह से यही करने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं एक ट्रक का जो ट्रॉलर होता है उसकी छत पे बैठा हूँ जी, ठीक है, किसी को यहाँ बुलाना भी, मैं भी बहुत मुश्किल से यहाँ चढ़ के आया हूँ, तो किसी को यहाँ बुलाना भी बड़ा मुश्किल था जी। नहीं ठीक है, मैं समझती हूँ, कोशिश कीजिए कि अगर हमारे जो साथी हैं निर्मल, जो शायद आपसे भी 1 किलोमीटर दूर आगे हैं, उनसे हम लोग जुड़ के शायद किसी से लाइव बात कर पाए तो हमारे लिए बहुत सही रहेगा। यहाँ पर एक बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ, ये बहुत अजीब है कि मेरे आसपास मैं कम से कम 6 मोबाइल के टावर देख पा रहा हूँ, लेकिन किसी भी मोबाइल कंपनी का इंटरनेट यहाँ पे ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। इसका जवाब क्या है मुझे नहीं पता, पर मेरे अगल बगल मोबाइल टावर है एंड नॉट इवन अ सिंगल मोबाइल, इवन ओनली वोडाफोन जो थोड़ा बहुत काम कर रहा है, बाकी कोई नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ से लाइव करना, कुछ भी करना, मीडिया जहाँ खड़ी है आगे, और एक बात और मैं जोड़ दूँ, कल रात से अभी तक मुझे यहाँ पे पंजाबी जो छोटा मीडिया है या जो अखबार है उनके लोग तो मुझे मिलेंगे, लेकिन किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई आदमी मुझे यहाँ अंदर पीछे की तरफ कल रात से अभी तक दिखाई नहीं दे। खैर इसमें बहुत सारे रीजन हमारे पास दर्शकों, कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इंटरनेट टावर सॉरी फोन टावर होने के बावजूद भी हमको क्यों इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है, ये बस एक दिक्कत है, ये हम लोगों की लॉजिस्टिक की दिक्कत है, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, इसलिए हम किसी भी चीज़ पर टिप्पणी नहीं करेंगे। और दूसरी बात जो मयंक ने कही कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं अंदर आ रहा है, उसके 2-3 कारण है, बहुत सारे किसान मेन स्ट्रीम मीडिया से बात भी नहीं करना चाहते हैं, मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं जिनमें वो लोग बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं कि आप लोग उनसे बात ना कीजिए, उसकी ये वजह भी हो सकती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का लगातार किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। मुझे आज सुबह ही एक पंजाब के गाँव से आए एक सिख साथी ने, सिख किसान ने बोला कि शाहीन बाग तो सुधीर चौधरी बॉडीगार्ड लेके चला गया था दीपक चौरसिया के साथ, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा रिपोर्टिंग करने, हम मिलना चाहते हैं, इसने हमको खालिस्तानी बोला जी। ये दर्शकों आपको जानने की बात है कि आप कहाँ से अपनी सूचना ग्रहण करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमसे हमारा देखें प्लेटफॉर्म पर, हम कोशिश कर रहे हैं आपको लाइव जानकारी आप उन लोगों की सुने जो मांगे लेकर आ रहे हैं, जो दिल्ली तक अपने घरों को छोड़ के अपनी खेती को छोड़ के। और प्लीज ये ध्यान रखिए, वेस्टर्न यूपी मेरठ वाला जो बॉर्डर है वो ब्लॉक किया गया है, मेरठ वाले बॉर्डर पे ब्लॉक करना इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वेस्टर्न यूपी के किसानों का ये सबसे इम्पोर्टेंट सीजन होता है, वो इसी टाइम गन्ने उगाते हैं, और अगर इस टाइम वो आके अपनी खेती छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं और उनके घरों की परिवार के छोटे लोग या फिर महिलाएं अगर खेती संभाल रही है तो ये कितनी बड़ी बात है। किसान यूजली अपनी खेती छोड़ के इस तरह से आते नहीं है, बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं। खैर मैंने आपके पास कोई और बात हो तो बताइए, नहीं तो मैं विजुअल इंस्पेक्टर है जिसकी बात करना चाहता हूँ कि ये जी देखना अपने आप में, एक मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक किसान बुजुर्ग किसान है, वो जा रहे हैं और अपने कंधे पे वो झंडा रखे हुए हैं, ठीक है, और ये किसान संगठन का झंडा है, और ऐसा एक किसान संगठन नहीं है, भारतीय किसान यूनियन के साथी भी उधर, एक और साथी थोड़ा दूर पे दिख रहे हैं ट्रक्स के पीछे, वो भी कंधे पे झंडा रख के जा रहे हैं, उनके पीछे जो है वो ऑल इंडिया किसान सभा के जो लोग हैं वो भी देखिए कंधे पे झंडा रखे हुए वो जो है वो जा रहे हैं। ये चीज जो है, ये मैं बात इस पे करना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि किसान का जो समर्पण और जो उसकी इच्छा शक्ति और तमाम चीजें, ये छोटा सा उदाहरण है, तो वो दिन दिन भर 12-12 14-14 घंटे जितनी देर वो चलते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं,
कई लोगों को मैंने खाना खाते हुए भी वो झंडा ऐसे ही कंधे पे रखे देखा है, उनके कंधे से वो झंडा हटता नहीं है कुछ भी। ये जो मैं आपको दिखाऊं, अभी देखिए फिर मेरे सामने तुरंत अभी ही जो है वो और साथी कुछ आ गए हैं, और आप मेरे सामने नीचे देखे तो ये देखिए कंधे पे झंडा रखे चल रहा है, और ये झंडा दिन दिन भर इनके कंधे पे ऐसे ही रहता है, पूरे दिन रात को जब तक ये लेटते नहीं है सोते नहीं है तब तक ये झंडा इनके कंधे पे रहता है। ये इसको फोल्ड करके अपने बगल में भी नहीं रखते, अभी मुझे नीचे से ये हाथ हिला रहे हैं और प्यार से रहे वहां से तो। और अद्भुत, अभी आप देखिए ये पंजाब से किसान आए हैं, ये ट्रैक्टर पे जा रहे हैं, आपको विजुअल दिखाना चाहता हूँ। ये ट्रैक्टर आ रहा है जिस पे गाना बज रहा है, और ये देखिए ये जो है वहां से हाथ हिला रहे हैं हमको सारे लोग। तो बहुत मुश्किल हो रहा है मेरा सुनना कि आप क्या कह रहे हैं। हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों से फिर से जुड़े लाइव में, आप लोगों कल अब हम लोग जो है कल सिंगू बॉर्डर से लाइव होंगे, हम कोशिश करेंगे बीच पे अगर हम कोई लाइव कर पाए तो अलग बात है, लेकिन रात 8 बजे जो है हम इसी किसान आंदोलन में मीडिया का जो रुख रहा है सामने आप ही उस शो को कर रही है जी। तो उसके बारे में दर्शकों को बता दीजिए कि हमारे मेन प्लेटफॉर्म पे मीडिया विजिल पे रात 8 बजे क्या होने वाला है जी। उससे पहले मैं कल, क्योंकि हम लोग सब ने लगातार बहुत ही ऑब्सेसिव तरीके से कंगना रनौत और दिलजीत सिंह दोसांझ के ट्वीट्स को फॉलो किया और उस पे रहा, तो दिलजीत सिंह दोसांझ की पहले ट्वीट में एक लाइन थी, मैं उस लाइन जी मीडिया विजिल के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा मैंने फॉलो किया, पर मेरे से ज्यादा भी जिन लोगों ने फॉलो किया उनकी वो बात जरूरी है। उस पहले ट्वीट में एक लाइन थी, देश तेरे कल्ले दा निया, द कंट्री डजंट बिलोंग टू यू अलोन, तेरे अकेले का ये देश नहीं है। ये वाली जो लाइन है ये बहुत लोगों पे एप्लीकेबल है, देश के मायने एक मैप या नक्शा नहीं होता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की वो पोयम है जिसको हम बहुत बार बोल चुके हैं, मैं बात को ही कर लूं। और मयंक ने जो कहा, हम लोग रात को जो शो करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी के साथ शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मीडिया का रोल रहा है, मीडिया की भाषा का रोल रहा है एक इतने बड़े आंदोलन को डिमिनिश करने का या उसकी महत्व को कम करने की कोशिश करने का या उसको टीवी स्क्रीन से गायब कर देने का। उन सारे विषयों पे हम आज रात को वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी से बात करेंगे और देखेंगे कि एक महेंद्र सिंह टिकैत का टाइम था आज से 30 साल पहले, जब पूरी दिल्ली के साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को ब्लॉक कर दिया जाता है और दिल्लियां मजबूर हो जाती हैं सुनने के लिए। आज दिल्लियां सुन क्यों नहीं रही हैं, बोल क्यों नहीं रही हैं, समझ क्यों नहीं पा रही है, ये बात जाननी होगी। हम लोग रात को मिलेंगे। मयंक आप कुछ कह रहे थे। तो रात को सौम्या जो है वो हमारे आज के विशेष मेहमान उर्मिलेश जी, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी के साथ साथ से समाज में बात करेंगे, क्योंकि मैं आज यहाँ पर हूँ और पोस्टर रिलीज नहीं हो पाया है तो मैं इसी को प्रमोशन कर रहा हूँ। साथ ही समाज में सौम्या उर्मिलेश जी से बात करेंगे कि किसान आंदोलन में शुरुआत के 3-4 दिन मीडिया का जो रवैया रहा है और तमाम और चीजों पे, उस पे सौम्या चर्चा करेंगे उर्मिलेश जी से साथ से समाज में। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जो है वो मंदिरों में जा के मोटा मोटा भभूत लगा लेते हैं। राम भाई सिंह दिनकर की कविता है जनतंत्र का जन, उसका एक हिस्सा है जो मैं पढ़ के अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रासादों और तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी खोद रहे, देवता मिलेंगे खेतों और खलिहानों में, फावड़े और हल राजदंड बनने को है। हम जो यहाँ देख रहे हैं फावड़े और हल, हसिया और हथौड़ा, फावड़े और हल राजदंड बनने को है। मिट्टी धूसरता का श्रृंगार सजाती है, जो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आए। शुक्रिया सोम, शुक्रिया दर्शकों, हम लोग आपसे बात करते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे। रात को हमारा शो देखिए, हम लोग कल पूरे दिन या परसों पूरे दिन हम लोग लाइव रिपोर्टिंग करेंगे सिंगू बॉर्डर से, कुछ नहीं कि टिक्की बॉर्डर पर भी जा पाए, पर अभी के लिए सिंगू बॉर्डर। शुक्रिया, शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।